Hello students, welcome to Electro Classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss another important naming reaction, which is Bahl-Schwann reaction. This is an important reaction for organic chemistry. So let's start. This reaction is basically used for the preparation of aryl fluorides. Means आपको जैसे मैंने आपको मैं Schwartz reaction पढ़ा चुका हूँ जिसमें हम alkyl fluorides का formation करते थे. Similar way में Bahl-Schwann reaction आपकी use होती है aryl fluorides का formation में. Okay? Fluorides जो compounds होते हैं alkyl और aryl fluoride वो easily form नहीं किए जा सकते. Directly वो अगर हम किसी भी fluoride compound की reaction कराते हैं hydrocarbon से तो डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये रिएक्शन काफी वायलेंट होती है और कंट्रोल नहीं की जा सकती है. तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एल्काइल हैलाइड्स के लिए, एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए आप यूज करते हैं Schwartz रिएक्शन. सिमिलर वे में एराइल फ्लोराइड्स के लिए हम यूज करते हैं Bahl-Schwann रिएक्शन. तो आइए देखते हैं Bahl's रिएक्शन में क्या होता है. When an aromatic primary amine is first diazotized with NaNO2 in presence of fluoroboric acid. इस reaction में basically क्या होता है कि primary amine हम लेते हैं aromatic primary amine और उसकी diazotization कराते हैं in presence of sodium nitrite and fluoroboric acid. यानी कि HBF4 की presence में हम cold temperature पर इनकी reaction कराते हैं तो हमको एक compound मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट. मींस यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या प्रेजेंट हो जाता है BF4 नेगेटिव. ओके, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट. जैसे आप बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सिमिलर वे में ये बनता है हमारा जब हम रिएक्शन कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से. ओके, इस कंपाउंड को जब हम हीट अप करते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो एराइल फ्लोराइड मिल जाते हैं. ओके, और BF3 सेपरेट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस इवोल्व होती है. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं Bahl-Schwann रिएक्शन. ओके, ये रिएक्शन स्पेशली यूज होती है एराइल फ्लोराइड्स के फॉर्मेशन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इक्वेशन क्लियर हो चुकी होगी. इससे पहले मैं आपको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ा चुका हूं, उसमें भी यही रिएक्शन होती है, बट यहां पर बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. ओके, और इस रिएक्शन में बनना है आपका बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट. जब हम उसे हीट अप करते हैं तो हमारा कंपाउंड जो बन जाता है वो बनता है हमारा एराइल फ्लोराइड. यहां पर हमारा कंपाउंड बन रहा है फ्लोरोबेंजीन. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको Bahl-Schwann रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुई होगी. और जैसा कि आप जानते हैं हमने जो सीरीज चलाई हुई है इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, उन रिएक्शन को आप अच्छे से देखे, प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड एग्जाम्स में वो काफी हेल्पफुल होंगे. जितनी रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं और आगे कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम्स में उन्हीं में से ही आएंगी. ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.